बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी लियोन फिस्टिंगर्स कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। जैसा कि कल हमने एटीट्यूड चेंज के हवाले से एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज बैलेंस थ्योरी प्रेजेंटेड बाय द फ्रिट्ज हीडर। तो एटीट्यूड चेंज के हवाले से ये दूसरी थ्योरी है जिसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहते हैं। बेसिकली cognitive dissonance theory was presented by American social psychologist Leon Festinger. He was the popular due to his cognitive dissonance work and the work on social comparison. He died in 1989. cognitive dissonance theory ki jab hum baat karte hain to basically cognitive dissonance jo hai wo basic cause banta hai attitude change ka kisi bhi person. When a person face conflict in between his thoughts and behaviors, he feel mental discomfort when push him or her toward attitude change. hota kya hai basically ke jo cognitive dissonance hai, aage chal ke main aapko ye bhi batata hu ke dissonance hota kya hai. cognitive dissonance jo hai wo kisi bhi shakhs mein uske attitude ko change karne ki wajah banta hai. kaise wajah banta hai, jab किसी भी इंसान के अपने थॉट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी एक थॉट उसका कुछ कह रहा हो, दूसरा थॉट कुछ कह रहा हो, या उसके थॉट्स और बिहेवियर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी सोच उसकी कुछ और हो, कर कुछ और रहा हो वो, तो ये जो चीजें हैं ये उसके लिए मेंटल डिस्कम्फर्ट या साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट का बायस बनती है। और ये डिस्कम्फर्ट जो है, ये परेशानी जो है, ये टेंशन जो है, ये उसको एटीट्यूड चेंज की तरफ लेके जाता है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट जो थॉट्स के अंदर मौजूद होता है, जो हमने बात की कि अगर किसी इंसान के दो थॉट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो या उसके थॉट और बिहेवियर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम डिसोनेंस कहते हैं। तो पता ये चला कि जब किसी इंसान के थॉट्स के अंदर, उसके थॉट्स और बिहेवियर्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, इनकंसिस्टेंसी हो, एक जैसे ना हो, उस वक्त इंसान के अंदर एक मेंटल डिस्कम्फर्ट, एक परेशानी, एक तकलीफ जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे है। लियोन फिस्टिंगर ने ये कहा, उसने कहा कि जब इंसान के अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट होता है तो वो उस डिसोनेंस को कम करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उस डिसोनेंस के क्रिएट होने से उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट या टेंशन क्रिएट हो चुकी होती है, और कोई भी इंसान लगातार साइकोलॉजिकल टेंशन या डिस्कम्फर्ट में नहीं रहता, क्योंकि वो उसके लिए और ज्यादा परेशानी का बायस बनता है। लिहाजा जब भी कोई इंसान किसी साइकोलॉजिकल टेंशन या डिस्कम्फर्ट की स्टेट में आएगा, यानी डिसोनेंस की स्टेट में आएगा, तो वो इस टेंशन को या इस डिसोनेंस को खत्म करने की कोशिश करेगा। उस टेंशन को, उस डिसोनेंस को खत्म करने के लिए उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव डिसोनेंस। कि जब आप चेंज करेंगे, आप ऑटोमेटिकली जो है वो कंफर्ट की स्टेट हासिल कर लेंगे। अब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या हो सकती है। अ पर्सन स्मोक सिगरेट, बट ही ऑल्सो नोज दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एक शख्स जो है वो स्मोक करता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि जो स्मोकिंग है वो सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। आपने देखा होगा हर डिबिया के ऊपर एक वो कैंसर ज्यादा पेशेंट की तस्वीर बनी हुई होती है, जो सिर्फ हमें यह बताने के लिए होती है कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर का बायस बन सकती है। बट ऑन द अदर हैंड लोग फिर भी स्मोकिंग कर रहे होते हैं। दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट क्या, कि यू नो दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एंड बिहेवियर, और बिहेवियर क्या है, बट यू स्टिल स्मोक, विल क्रिएट डिस्कम्फर्ट विच इज कॉल्ड डिसोनेंस। यानी ये जो है वो बेसिकली आपका थॉट कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और आप सिगरेट पी रहे हैं, ये आपका बिहेवियर है, इन दोनों के दरमियान में कोई तालमेल नहीं है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं रख रहे, तो क्या होगा, फिर उसकी वजह से एक मेंटल डिस्कम्फर्ट इंसान के अंदर हुआ रहेगा, विच इज कॉल्ड डिसोनेंस। तो ये जो मैंने आपको सिगरेट स्मोकिंग की एग्जांपल दिया, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब क्या होगा,
अब होगा ये कि जब आपका थॉट है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड यू आर गोइंग टू स्मोक, तो दिस इनडिफरेंस, दिस इनकंसिस्टेंसी आपके कॉल, वो कहते होते ना कॉल और फेल में तजाद, आपकी सोच और फेल में तजाद, यहाँ पे कॉल नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपकी सोच और आपके फेल में तजाद जो है वो आपको साइकोलॉजिकल परेशानी में, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट या टेंशन में डाले रखेगा। उसके लिए क्या है, उसके लिए आप अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। चले खैर देखते हैं कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस की कॉजेज कौन सी होती है। सबसे पहला है जी फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर। बाद अवकात क्या होता है, फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर होता है, यानी आपको किसी बिहेवियर को करने के लिए फोर्स किया जाता है, आप एक काम नहीं करना चाहते लेकिन आपको अथॉरिटी की तरफ से, वालदेन की तरफ से या किसी की भी तरफ से जो है वो आपको फोर्स किया जाता है कि यो वो काम आप करें, तो उस वक्त आपके माइंड में जो एक टेंशन क्रिएट हुई होती है कि आप वो काम करना नहीं चाहते लेकिन आपके बॉस आपसे लाजमन वो काम करवाना चाह रहे हैं, वरना वो थ्रेट कर रहे हैं कि जी आपकी जॉब भी जा सकती है अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आपका जमीर वो काम करने की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपके बॉस, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई या आपका कोई दोस्त जो है वो आपको फोर्स कर रहा है वो काम करने को, उस वक्त आपके अंदर एक मेंटल टेंशन जो है वो क्रिएट होगी कि अब मैं क्या करूं, मैं नहीं करना चाह रहा लेकिन मुझे वो लोग मजबूर कर रहे हैं। उस वक्त जो मेंटल टेंशन क्रिएट होगी, दैट वाज ड्यू टू द फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर, उसकी वजह से जो है वो आप बिहेवियर करेंगे, दैट विल बी द फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर। दूसरी जो वजह है बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस की, दैट वाज डिसीजन मेकिंग। बाद अवकात ऐसा होता है कि आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि उस सिचुएशन में आप कोई फैसला करने से कासर होते हैं, आपको मुश्किल पेश आ रही होती है, आपके पास जो भी सिचुएशंस होती हैं या जो भी आपने फैसला करना है, जो भी सिचुएशन है वो दोनों पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, और आपके अंदर जो है वो एक दोनों आपके दोनों के अंदर जो है वो आपके लिए कुछ ना कुछ फायदा भी होता है, और आपने लेकिन आपकी मजबूरी ये होती है कि आपने डिसीजन लेना है कि आप सिचुएशन ए को फॉलो करेंगे या सिचुएशन बी को फॉलो करेंगे। मसलन आपके पास दो जॉब्स हैं, अब आप दोनों जॉब जो है वो आपके लिए सूटेबल है, कैसे सूटेबल है, एक जॉब जो है वो आपके घर के करीब है लेकिन उसमें जो है वो तनख्वाह कम है, आप सोचते हैं यार घर के करीब तो चलो है ना, बाहर तो नहीं ना रहना पड़ेगा, चले अगर सैलरी कुछ कम भी है, लेकिन दूसरी जॉब जो क्या है कि उसमें सैलरी ज्यादा है लेकिन आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे भी आप सोचते हैं यार घर से दूर तो जाना पड़ेगा लेकिन चलो सैलरी तो ज्यादा है। अब इन दोनों सिचुएशन में जॉब ए और जॉब बी में से आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे, एक की सैलरी कम है घर में रहना पड़ेगा घर के नजदीक है, दूसरी में सैलरी ज्यादा है लेकिन फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, बच्चों से बीवी से दूर रहना पड़ेगा, घर से बाहर रहना पड़ेगा, लिहाजा आप परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल जंग छिड़ जाती है, एक साइकोलॉजिकल वार स्टार्ट हो जाती है, एक डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन होती है कि आइदर यू विल हैव टू, यू शुड हैव टू गो विद द जॉब ऑफ ए और यू हैव टू गो विद द जॉब ऑफ बी, आप क्या करेंगे, दिस स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड डिसोनेंस, तो आपके अंदर एक डिसोनेंस क्रिएट करती है। अच्छा जी अब बात कर लेते हैं हाउ कैन रिजॉल्व द डिसोनेंस, हाउ वी कैन रिजॉल्व द डिसोनेंस, इट मींस के हाउ वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड। सबसे पहला क्या जी, थॉट स्टॉपिंग या चेंजिंग। अब वही एग्जैक्ट आप एग्जाम्पल ले लें सिगरेट स्मोकिंग की, कि आपका थॉट यह है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब क्या होगा कि अब या तो आप अपना थॉट ही स्टॉप कर देंगे, आप उसको चेंज कर देंगे कि भाई नहीं गलत लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज नॉट इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस नहीं है, ठीक है। जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये जो अब आपने अपना थॉट चेंज कर दिया या स्टॉप कर दिया है, तो फिर आपका बिहेवियर जो है दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, तो आप कहेंगे ठीक है इट्स ओके सिगरेट पीनी चाहिए क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लोगों को सिगरेट पीते देखा है, वो 90-90 साल की उम्र में भी लोग सिगरेट पी रहे थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ, that is thought stopping or thought changing. Dusra kya hoga, behavior stopping or behavior changing. Ab isme kya hai, usme aapko ek soch aayi ki janab smoking is injurious to health, theek hai, to aapne ye socha ki agar smoking jo hai wo health ke liye injurious hai to usse ye hai ki fir aap apna behavior stop kar denge, yani ki aap ye samajh gaye ki yaar smoking karna jo hai wo health ke liye nuksan deh, to kya hoga aap apna behavior jo hai वो स्टॉप कर देंगे, आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। तीसरा जो है दैट दिस थर्ड स्ट्रेटजी टू बिहेवियर चेंज टू मेंटेन टू अचीव द कंसिस्टेंसी कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी दैट इज एडिंग न्यू थॉट।
अब इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली अब आप अपना बिहेवियर कैसे, एटीट्यूड कैसे चेंज करेंगे टुवर्ड स्मोकिंग, इसमें आप एक नए थॉट का इजाफा कर देंगे। आप कहेंगे ठीक है स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसान देती होती है, ये भी मैं आप जानता हूँ, लेकिन सिगरेट पीना भी है, छोड़ना भी नहीं है। लेकिन अब नया थॉट कैसे चेंज करेंगे आप, कि आप ये थॉट क्रिएट कर देंगे कि यार अगर चलो मान लिया सिगरेट स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए नुकसान दे, लेकिन मैं ऐसी बहुत सारी जो है वो काम करता हूँ जो सिगरेट जो सेहत के लिए फायदेमंद भी है, ठीक है। अगर सिगरेट नोशी नुकसान दे तो मैं बहुत सारे ऐसे काम भी करता हूँ, अगर मैं एक काम सेहत के लिए नुकसानदेह करता हूँ तो मैं 10 ऐसे काम भी करता हूँ जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। जिस तरह मैं अच्छी गजाएं खाता हूँ, जिस तरह मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिस तरह मैं जो हॉट वाटर पीता हूँ, इस तरह करके ये सेहत के लिए फायदेमंद चीजें हैं। इस तरह करके आप जो है वो एक नया थॉट ऐड कर देंगे। आगे आ जाता है इग्नोर द थॉट, इग्नोरिंग द थॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, आप थॉट को इग्नोर कर दे, आप कहेंगे आई डोंट केयर, अगर ठीक है नुकसानदेह है तो ठीक है इट्स ओके, लेकिन जो मैंने तो पीनी है भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, दिस इज इग्नोरिंग द थॉट। इसके जरिए भी जो है वो आप बिजनेस को खत्म कर देंगे, यानी आप एटीट्यूड ही आपने चेंज कर लिया ना उसके थॉट से रिलेटेड, कि यार नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है मैंने करना है जो मर्जी कर, मैंने सिगरेट पीनी है। लास्ट वन इज रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट। आखिरी जो है वो आप अपने थॉट की इम्पोर्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं, आप कहते हैं यार ठीक है मसला है लेकिन कल किसने देखी है, आज जिंदगी पता नहीं अगला लम्हा आना है नहीं आना, लिहाजा आज इंजॉय कर लो, कल पता नहीं आनी है या नहीं आनी, यानी आप उस थॉट की अहमियत को ही जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं ये सोचकर कि यार जिंदगी कल हमने पता नहीं देखनी है नहीं देखनी, लिहाजा पियो सिगरेट जी भर के पियो। तो दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है वो लियोन फस्टिंगर ने दी थी, मैं थोड़ा सा आपको अगेन बता देता हूँ। उसने कहा कि जब इंसान के थॉट्स के दरमियान में या थॉट और बिहेवियर के दरमियान में इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है, मैचिंग नहीं होती, तो एक मेंटल डिस्कम्फर्ट या साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से इंसान परेशान रहता है और इस डिसोनेंस को खत्म करने की कोशिश करता है। कैसे खत्म करता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए, यानी डिसोनेंस को खत्म करता है, अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है, एटीट्यूड चेंज करेगा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है, थॉट स्टॉपिंग या चेंजिंग, बिहेवियर स्टॉपिंग या चेंजिंग, एडिंग न्यू थॉट्स, इग्नोरिंग द न्यू थॉट्स, रिड्यूसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बिलीफ। तो ये जो 5 स्ट्रेटजीज है और भी हो सकती हैं, लेकिन आई एम डिस्कसिंग हियर जस्ट ओनली 5 टेक्निक्स टू रिड्यूसिंग द कॉग्निटिव डिसोनेंस इन अ पर्सन, एंड दिस इज द मेन कॉज टू एटीट्यूड चेंज। इसमें क्या, जिस तरह हमने कल पढ़ा था बैलेंस थ्योरी को, फ्रिट्ज हीडर ने जो दी थी उसने भी यही कहा था कि जब एक POX मॉडल जो आपको बताया था कि पर्सन अनदर पर्सन और जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसकी तरफ एटीट्यूड को जो है वो देखा जाता है, स्टडी किया जाता है, उस थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब POX जो एक ट्राइंगल थी जब तक उसके में बैलेंस नहीं होगा इंसान जो है वो डिस्कम्फर्ट में रहेगा, और डिस्कम्फर्ट जब फील करता है तो वो उसको बैलेंस करने की तरफ जाता है, लिहाजा बैलेंस करने की तरफ जाएगा तो वो अपना एटीट्यूड चेंज करेगा किसी भी चीज की तरफ, और जब एटीट्यूड चेंज होगा तो वो जो बैलेंस है POX मॉडल में बैलेंस आ जाएगा, इस तरह इंसान जो है वो एक मेंटल कम्फर्ट की स्टेट में आ जाएगा। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस भी यही है, कॉग्निटिव डिसोनेंस में उन्होंने कहा जी कि दो थॉट्स के दरमियान में या थॉट और बिहेवियर के दरमियान में डिस्कम्फर्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक जैसे नहीं होते, और जब उनको जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है उस मेंटल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए इंसान अपना एटीट्यूड चेंज करता है, उस एटीट्यूड को चेंज करने की वजह से जो है वो डिजनेस चेंज हो जाता है, कम खत्म हो जाता है और इंसान जो है वो मेंटल कंफर्ट में आ जाता है। दैट वाज ओवरऑल टुडेज लेक्चर, होपफुली दैट वाज अंडरस्टैंडेबल। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।